जयंत बच्चों, इस समय आप लोग महामनाई शूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 12 चैप्टर रैखिक प्रोग्रामन यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको शॉर्ट में हम एलपी भी कहते हैं, के प्रश्नावली 12.1 को हम लोग पढ़ रहे हैं। और 12.1 में पहला क्वेश्चन जो था पिछले वीडियो में आप लोग देखा था, आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। देखें, और इसमें से ये जो एक्सरसाइज 12.1 है, इसमें से एक क्वेश्चन आपसे श्योर पूछा जाता है। इसको आप बहुत अच्छी तरह से तैयार जरूर कीजिएगा। तो चलिए, हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत, बुक सभी लोग खोल लें और देखें बुक में, निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है -3x + 4y। याद रख रहिएगा, यहीं से आपका सोल्यूशन निकलता है, यहीं से आपको वैल्यू ज्ञात करनी होती है। तो जेड इज इक्वल टू -3x + 4y का न्यूनतमीकरण करना है, अधिकतमीकरण नहीं करना है। यहां पर न्यूनतमीकरण करना है, न्यूनतमीकरण। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, और अवरोध जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है x + 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 8 दिया हुआ है। और फिर देखिए क्या दिया हुआ है, 3x + 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 12 दिया है। और फिर देखिए क्या दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है x > r = 0, y > r = 0। ध्यान दीजिए आप, अब जो है ये अवरोध, अवरोध का मतलब ये कंडीशन आपको दी गई है, और इन्हीं कंडीशन के मदद से आपको इसका न्यूनतमीकरण करना है। तो न्यूनतमीकरण करने के लिए जैसे आप क्लास 11th में रैखिक असमिका हल करते थे, बिल्कुल रैखिक असमिका की ही तरह ये सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ देखें, हम सबसे पहले ये जो पहला प्रतिबंध है हम इसको देखेंगे, और ये दिया हुआ है x + 2y = 8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम जीरो के सॉरी इसको इक्वल करके हम सॉल्व करेंगे। लेस देन से या ग्रेटर देन से हमको कोई लाइन नहीं प्राप्त होती है। तो अब देखें क्या दिया हुआ है, x + 2y, यहाँ हम लेस देन नहीं करते हैं, पहले क्वेश्चन में भी आप देखे होंगे, यहाँ हो जाएगा = 8। अब इसमें हम एक बार x = 0 रख करके y की वैल्यू निकालेंगे, फिर y = 0 रख करके x की वैल्यू निकालेंगे, और फिर इसको हम ग्राफ पर दिखाएंगे। तो चलिए, x = 0, तो देखें x के जगह पे 0 कर देंगे तो 2y = 8 हो जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो 0 और 4 मिलेगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर हम दिखाएंगे y = 0 करेंगे, तो y = 0 करेंगे तो फिर देखें x = हो जाएगा 8, यानी ये निर्देशांक हो जाएगा 8, 0। तो सबसे पहले इसको हम ग्राफ पर दिखाएंगे। तो ग्राफ पर दिखाने के लिए देखें, ये हो गया आपका x अक्ष है, ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये स्केल से आप खींचेंगे तो ये लाइन बिल्कुल सीधी खींची जाएगी, हाथ से खींचने पर टेढ़ी हो सकती है लाइन। तो ये है x एक्सिस, ये x एक्सिस है,
और इधर के तरफ आ जाएगा वाई एक्सिस। देखिए ये वाई एक्सिस है और ये जो है ओरिजिन है, मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष को हम बराबर बराबर भागों में बांट लें और बांट करके देखा जाए फिर क्या मिलेगा। तो देखें ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लगभग इतने से हम लोगों का काम बन जाएगा। फिर इसी तरह से हम वाई एक्सिस पे आते हैं तो वाई एक्सिस पर देखें ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फिर जरूरत पड़ेगा तो और आगे हम लोग बढ़ा लेंगे। ऑप्शन ये देखिए तो सबसे पहले हम 0, 4 को दिखाएंगे तो एक बात तो क्लियर है ना, यहाँ पर यक्स की वैल्यू 0 है तो जब यक्स की वैल्यू 0 होती है तो वाई अक्ष पे यक्स का मान 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बिंदु होगा ये 0, 4 वाई एक्सिस पे होगा। तो वाई एक्सिस पर 4 का डिस्टेंस ले लेंगे 1, 2, 3, 4 ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका 0, 4। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं देखें 8, 0 तो यहाँ पर वाई की वैल्यू 0 है इसका मतलब ये पॉइंट जो होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा। तो चलिए एक्स एक्सिस पर हम 8 ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हो गया और इस प्रकार इस बिंदु का जो निर्देशांक है वो 8, 0 है। अब हम यहाँ पर इनको मिला देंगे स्केल, स्केल पेंसिल की सहायता से इसको हम मिलाएंगे या स्केल से मिलाएंगे आप देखें। तो अब इसको हम मिला दिए तो ये रेखा हो गई हमारी, ये रेखा है यक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब हमको यह देखना है कि इस ग्राफ के अंतर्गत मूल बिंदु आएगा कि नहीं आएगा, इसको देखना है। तो इसका निर्धारण करने के लिए ये जो असमिका दी गई होती है इस असमिका का हम लोग यूज करते हैं, यानी ये दिया हुआ है यक्स प्लस 2y इज लेस देन 8। जब रेखा का समीकरण प्राप्त करना होता है तो इसको इक्वल लिख इक्वल के बराबर करते हैं और फिर जब यह चेक करना होता है कि ग्राफ मूल बिंदु ग्राफ के अंतर्गत मूल बिंदु आएगा कि नहीं आएगा तो फिर असमिका का हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अब असमिका में हम यक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0 दोनों रखते हैं और दोनों रख करके देखते हैं तो यक्स इज इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 जब देख रहे हैं तो देखिए क्या मिलेगा 0 + 2 × 0 < 8 यानी 0 + 0 = 8। देखिए 0 8 से छोटा होता है, ये सही बात है, सत्य है। तो जब कथन सत्य होता है, लिख देंगे कथन सत्य है या सत्य है, तो जब कथन सत्य होता है तो ग्राफ मूल बिंदु को टच करता है, मूल बिंदु के रेंज में आता है। हम लिख देंगे अतः मूल बिंदु, यहाँ लिखा जाएगा अतः मूल बिंदु ग्राफ के अंतर्गत आएगा, ग्राफ के अंतर्गत आएगा, अंतर्गत आएगा। अब देखिए जरा यहाँ पर यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो यक्स इज ग्रेटर देन से यहाँ मतलब नहीं होता है। यहाँ देखिए यक्स की वैल्यू अगर 0 तो वाई एक्सिस का समीकरण होता है यक्स इक्वल टू 0, वाई अक्ष का समीकरण होता है यक्स इक्वल टू 0 और यक्स अक्ष का समीकरण होता है वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राफ होगा वो यक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जो लाइन है इस लाइन के बीच में ही होगा। तो चलिए इस ग्राफ को हम यहाँ दिखा देते हैं, इस पूरे रेंज को यहाँ हम दिखा दें डॉटेड लाइन से। ये डॉटेड लाइन से दिखा दिए। अब पहला वाला हो गया
अब हम दूसरे वाले समीकरण को देखेंगे और दूसरे वाले समीकरण से जब हम ग्राफ खींचेंगे तब जाकर के सोल्यूशन निकलेगा। अभी तो जो पहला समीकरण था, पहले समीकरण से ये हम लोग ग्राफ खींचे हैं, अब दूसरे समीकरण से भी हम लोग ग्राफ खींचेंगे तब जाकर के फाइनल सोल्यूशन निकलेगा कि इसका सोल्यूशन होगा क्या। तो चलें ध्यानपूर्वक देखें। अब इसको हम इतना इरेज कर देते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 12 है। तो यहाँ लेस से हमको मतलब नहीं होता है, हम यहाँ पर इक्वल कर देंगे। देखिए ये इक्वल हो गया और इक्वल करने के बाद यहाँ भी फिर वही काम करेंगे जो हम लोग समीकरण नंबर एक में किए थे। यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 रख करके y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 12/2 यानी 6 हो जाएगा। तो निर्देशांक हो गया 0, 6। अब इसके बाद हम आएंगे फिर यहाँ पर y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 तो फिर देखिए क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 12 तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो अब यहाँ पर जो निर्देशांक मिलेगा ये आपका 40 होगा। अब हम इसी ग्राफ में ध्यान दीजिएगा, इसी ग्राफ में हम 0, 6 और 40 दिखाएंगे। तो चलिए 0, 6 कहाँ होगा ये देखिए, 0, 6 तो 0, 6 x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब कि ये पॉइंट y एक्सिस पे आएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 0, 6। अब इसके बाद फिर हम आते हैं 40 दिखाया जाएगा, तो y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब कि x एक्सिस पे है। तो 40 कहाँ है ये हमको देखना है, 1, 2, 3 ये हो जाएगा आपका पॉइंट 40। इसको हम कहीं और लिख देते हैं, नीचे लिख देंगे y इज इक्वल टू 0, तो ये इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 40। अब इसको हम मिला देंगे, तो अब देखिए स्केल से मिलाएंगे, स्केल से मिलाएंगे तो ये रेखा सीधी होगी, क्योंकि रेखा है तो रेखा हमेशा सीधी होती है। अब हम यहां से इसको मिला देते हैं, अब देखिए अब इसको मिला दिया गया, तो अब इसका समीकरण क्या होगा, इसका समीकरण हम लिख देंगे, तो इसका समीकरण लिख दिया जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इस रेखा का समीकरण ये है और इस रेखा का समीकरण यहाँ लिखा गया है। अब हम देखेंगे कि यह ग्राफ जो है मूल बिंदु को टच करेगा कि नहीं करेगा, ये देखा जाएगा हमको। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर फिर अब हम असमिका को लेंगे, असमिका लेकर के हल करेंगे। तो ये जो है 3x प्लस 2y इज लेस देन 12, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पर x और y दोनों के जगह पे 0 रखेंगे और दोनों के जगह पे 0 रख करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3 × 0 0 हो जाएगा, 2 × 0 0 हो जाएगा, लेस देन 12 हो जाएगा, 0 इज लेस देन 12, तो 0 12 से छोटा होता है, ये सत्य है। तो अगर ये सत्य होगा, जब सत्य होता है तो मूल बिंदु को टच करता है, और सत्य नहीं होता है तो देखिए, अगर सत्य नहीं होता, जब सत्य था तो ग्राफ नीचे की तरफ गया, अगर सत्य नहीं होता तो ग्राफ यहाँ से ऊपर की तरफ आगे की तरफ जाता, ये दूसरी कंडीशन आती है। तो सत्य है, अतः ग्राफ मूल बिंदु को टच करेगा, मूल बिंदु को मूल बिंदु जो है ग्राफ के रेंज में आएगा, और जब ग्राफ के रेंज में आएगा तो अब देखिए, अब हम यहाँ से इसको जो है अब ग्राफ ये डॉटेड लाइन दिखाएंगे हम यहाँ पर, देखिए डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं। अब डॉटेड लाइन हम दिखाते हैं, अब हम देखेंगे कि वह कौन सा क्षेत्र है जो दोनों ग्राफों के बीच में आया है, ये आपको देखना है।
तो अब देखिए ये जो मूल बिंदु ओ जिसका निर्देशांक 0, 0 होता है, ये आया है दोनों के ग्राफ के रेंज में, फिर ये 4, 0 आ रहा है, फिर इसके बाद जो है ये 0, 4 आ रहा है, लेकिन ये जो बिंदु है इस बिंदु का निर्देशांक अभी हमको नहीं मिला है। इसको हम इस समीकरण को यहाँ लिख लेते हैं, ये था आपका x+2y=8। तो देखिए हम रेंज में जो सोलूशन हम लोगों का मिलेगा वो सोलूशन केवल हम लोगों का यहीं से मिलेगा, यानी वह एरिया जो दोनों ग्राफ के रेंज में आएगा वहीं से हम लोगों को सोलूशन प्राप्त होगा, सोलूशन केवल हमारा यहीं से मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कि ये कोणीय बिंदु होता है, कोणीय बिंदु यानी कोने का निर्देशांक, तो कोना कहाँ कहाँ है, तो एक कोना है 0, 0, दूसरा कोना मिला है आपको 4, 0, एक मिला है 0, 4। तो अब इस बिंदु का हमको निर्देशांक निकालना होगा, तो इस बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलेगा, देखना होगा कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रही हैं, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रही हैं। इसके लिए देखिए दूसरा समीकरण तो लिखा गया है 3x+2y=12। अब ये जो पहला वाला हम यही लिख लेते हैं x+2y=8, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस कर लिया जाए, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब 3x-x2x=12-8 करेंगे तो 4 हो जाएगा, x=4/2, यानी x की वैल्यू 2 निकल गई। अब x की वैल्यू 2 रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए, चलिए इसी समीकरण में रख लेते हैं x+2y=8 में, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए ये है 2+2y=8, तो 2y=8-2 हो जाएगा, तो 8-2 करेंगे 6 हो जाएगा, फिर y की वैल्यू 6/2 यानी 3 हो जाएगा, तो निर्देशांक मिल गया 2, 3। अब इस कोणीय बिंदु का जो निर्देशांक हो गया वो 2, 3 हो गया। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, अब अगर हम चाहते तो, लेकिन कुल मिलाकर के देखें, वह क्षेत्र जो केवल एक ग्राफ के रेंज में है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब उससे है कि वह एरिया जो दोनों ग्राफ के रेंज में है। तो अगर हम चाहते तो इसको यहाँ से मिटा करके ख़त्म भी कर देते, लेकिन ऐसा अगर जब आप कॉपी पे करेंगे और ये डॉटेड लाइन अगर पेन से कर देंगे तो मिटाना तो संभव होगा नहीं, तो मिटाना संभव नहीं होगा, तो फिर आपके दिमाग में बस यही रहना चाहिए कि जहाँ पूरे डॉटेड लाइन से हमको मतलब नहीं है, हमको केवल उतने ही डॉटेड लाइन से मतलब है जो दोनों ग्राफों के अंतर्गत है। तो ये ओ है, इसको ए मान लेते हैं, इस बिंदु को बी मान लेते हैं, इस बिंदु को सी मान लेते हैं, तो हम लोगों को केवल ओ ए बी सी से मतलब है। अब चले, अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि यहाँ पर जो है कोणीय बिंदु और जेड का संगत मान हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ हम एक सारणी बनाएंगे इसके लिए, तो यहाँ हम लिख देंगे कोणीय बिंदु, ये कोणीय बिंदु है, कोणीय बिंदु है, और फिर यहाँ पर लिख देंगे जेड का संगत मान, जेड का संगत मान हम देखेंगे। तो जेड का संगत मान, समीकरण आपको मालूम है z=-3x+4y। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख करके देखेंगे, तो चलिए देखा जाए ये जितने भी बिंदु हैं इन बिंदुओं का निर्देशांक और निर्देशांक पर इसकी वैल्यू देखेंगे। तो सबसे पहले जो है ओ पर हम निकालते हैं, ओ ओरिजिन पर निकालते हैं, ओ का निर्देशांक जो है ये 0, 0 है। अब हम रखते हैं और रख करके देखते हैं कि इसमें 0, 0 रखने पर क्या मिलेगा। तो 0, 0 रखेंगे, यक्स के जगह पे 0 रखेंगे, वाई के जगह पे 0 रखेंगे, तो जेड की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसके बाद जो है, अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर, देखें 4, 0
तो यक्ष के जगह पे 4 और वाई के जगह पे 0 रखेंगे। एक का निर्देशांक है 40। देखिए यक्ष के जगह पे हम रख देंगे 4, तो 4 थीसा 12 हो जाएगा -12, और वाई के जगह पे 0, तो ये हो जाएगा -12। अब क्या है 2 3 पे देखेंगे बी का जो निर्देशांक है ये है 2 3, तो अब 2 3 इसमें रख करके देखा जाएगा। यक्स के जगह पे 2 और वाई के जगह पे 3 रखेंगे। देखिए 2 रख रहे हैं तो 3 2 6 -6, और फिर यहाँ पे 3 रख रहे हैं तो 12 हो जाएगा, तो 12 -6 करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो ये वैल्यू निकल गई 6। अब इसके बाद जो है, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब 0 6 है, 0 6 पे हम देखेंगे, सॉरी 0 6 नहीं 0 4 C है, तो C का जो निर्देशांक है वो 0 4 है। 0 4 पर रख के देखेंगे, 0 रख दिए यहाँ पर वैल्यू, तो ये 0 हो गया, 4 तो 4 4 16 हो जाएगा, ये हो गया आपका 16। तो यहाँ पर हम लोगों को न्यूनतमीकरण करना था। न्यूनतमीकरण का मतलब न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान जो हम लोगों को मिल रहा है, देखिए 0 है, -12 है, 6 है, 16 है, तो न्यूनतम मान जो है ये हम लोगों का यह मान है, यहाँ लिख दिया जाएगा न्यूनतम मान। न्यूनतम मान ये है, या न्यूनतमीकरण लिख सकते हैं। तो न्यूनतम मान किस पर है, 40 पर, तो यहां लिख दिया जाएगा बिंदु, यहां लिख देंगे बिंदु ए जिसका निर्देशांक 40 है, और इसका जो न्यूनतम मान होगा, यह न्यूनतम मान हो जाएगा आपका -12। तो यही हम लोगों का सलूशन होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है, तो ये जो है क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। हम लिख सकते हैं बिंदु ए 40 पर न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान z = भी हम लिख सकते हैं z = -12, या इसकी वैल्यू हम लिख देंगे तो ये -12 हो गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर जो 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व होता है। ये सब क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, जब इनको सॉल्व करेंगे तो बड़ी सरलता से सॉल्व हो जाएंगे, और इसमें ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है, लगभग 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको आप सबको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अब देखिए जैसे ये हमने फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में अधिकतमीकरण था और सेकंड में न्यूनतमीकरण था, तो इसमें दो ही काम ही करना होगा आपको, एक अधिकतमीकरण करना होगा, दूसरा न्यूनतमीकरण करना होगा। तो ये हो चुका है। अब हम आपको 7 8 9 10 में से एक बता दे रहे हैं, और हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 ही बता दे रहे हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, दिखाइए कि जेड का न्यूनतम मान 2 बिंदुओं से अधिक बिंदुओं पर घटित होता है। यानी यहाँ पर जो न्यूनतम मान मिलेगा वह 2 से अधिक बिंदुओं पर मिलेगा, ये हम लोगों को दिखा देना है। तो नॉर्मल जैसे हम लोग करते आए हैं 1 से 6 तक जैसे करेंगे, वैसे ही 7 से 10 तक भी होगा। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहे हैं। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = 5x, 5x + 10y का न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण दोनों करना है। याद रख रहिएगा, न्यूनतमीकरण भी करना है और अधिकतमीकरण भी करना है। न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण कीजिए, और देखिए यहाँ पर जो शर्त आपको दिया है, x + 2y > r = 120 दिया हुआ है, और फिर दूसरा दिया हुआ है x + y = 60 दिया हुआ है, और फिर एक और इक्वेशन आपको दिया हुआ है,
यक्स माइनस टू वाई, देखिए इसको यहाँ कर लेते हैं, यक्स माइनस टू वाई और ये दिया हुआ है इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, और साथ में फिर आपको दिया है एक्स वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो और वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, दोनों हैं, यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो और वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ आपको तीन समीकरण देख करके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जैसे एक समीकरण वाला हुआ है वैसे ही दो समीकरण, तीन समीकरण, चार समीकरण होगा तो वो भी वैसे ही होगा। तो देखें अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन, आप देख लीजिए z इज इक्वल टू फाइव एक्स प्लस टेन वाई, एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है x प्लस टू वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 120 और सेकंड दिया हुआ है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 और फिर x माइनस टू वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, फिर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, इसको हम लोग दिखाएंगे। तो हम पहले समीकरण से शुरू करते हैं, पहले समीकरण को हम इक्वल करके सॉल्व करेंगे। तो देखें यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 120, इसमें हम पहले x इक्वल टू जीरो रख करके y की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू जीरो कर देंगे तो 2y इक्वल टू 120 हो जाएगा, यानी यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ जो निर्देशांक मिलेगा वो 060 मिलेगा। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर y इक्वल टू जीरो रख करके x की वैल्यू निकालेंगे, तो y इक्वल टू जीरो रख करके अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x की जो वैल्यू होगी वो 120 हो जाएगी, तो निर्देशांक हो जाएगा आपका 120। अब हम लोग ग्राफ पर दिखाएंगे इसको, चलिए ग्राफ पर दिखाते हैं। ये है x एक्सिस, ये x अक्ष है और स्केल से आप खींचेंगे तो बिल्कुल सीधा खींचा जाएगा, ये x अक्ष है और ये है y अक्ष, ये x अक्ष और ये y अक्ष, और यहाँ जो होगा ये मूल बिंदु है O है और O का निर्देशांक 0 0 होता है, ये आप सबको पता ही है। तो चलिए अब इसको हम इक्वल पार्ट में बांटते हैं, 20 20 के पार्ट में इसको हम बांट रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने में हो जाएगा हम लोगों का। फिर यहाँ ऊपर के तरफ भी इसको डिवाइड करते हैं, तो देखें 1 2 3 4 5 6 लगभग इतने में हो जाना चाहिए हम लोगों का, 20 20 का अंतर लेकर के हम चलेंगे। तो अब देखिए क्या है, 0 और 60, तो 0 और 60 ये 20 है, तो इसका मतलब 60 जो आएगा 3 पर होगा, 20 60 हो गया। तो ये जो बिंदु होगा इस बिंदु का जो निर्देशांक मिलेगा ये होगा 0 60। अब इसके बाद आप देखें 120 0, तो x की वैल्यू 120 यानी 20 का लिए हैं तो 6 पर जाएंगे तो 120 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा और ये बिंदु हो जाएगा 120 0। अब इसके बाद अब जो है हम स्केल से इसको मिला देंगे, चलिए स्केल से इसको हम मिला देते हैं और मिलाने के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण। ये है समीकरण x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 120 हो गया। अब इसके बाद असमिका वाला कंडीशन देखेंगे, तो असमिका वाले कंडीशन में देखिए x प्लस टू वाई इज लेस देन 120 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की भी वैल्यू 0 रखेंगे,
तो चलिए एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू भी अगर हम जीरो रखते हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो लेस देन 120, यानी जीरो इज लेस देन 120, तो जीरो 120 से छोटा तो होता है। तो इसका मतलब कि ये कथन जो है सत्य है, और अगर कथन सत्य है तो मूल बिंदु जो होगा वो ग्राफ के अंतर्गत आएगा। और देखिए x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, इसको लिख लेंगे। तो x अक्ष का जो समीकरण होता है y इज इक्वल टू जीरो, और y अक्ष का जो समीकरण होता है वो x इज इक्वल टू जीरो, इसको तो हम यहां दिखा लिए। अब जो है हम यहां पर डॉटेड लाइन दिखा देंगे। चले देखें ये मूल बिंदु जो है इसके रेंज में आएगा, और इसी तरह से हम इसको यहां दिखा देंगे। ये मूल बिंदु जो है इसके रेंज में आ गया। अब इसके बाद जरा ध्यान पूर्वक देखें फिर क्या होगा। तो पहला वाला सोल्यूशन निकल गया, अब हम दूसरे वाले सोल्यूशन पे आएंगे। तो दूसरा वाला सोल्यूशन देखेंगे क्या होगा, यानी दूसरा जो इक्वेशन दिया है दूसरे वाले इक्वेशन से अब हम ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए दूसरा जो इक्वेशन दिया हुआ है ये x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल है, तो यहाँ इक्वल करके पहले सॉल्व करेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 करेंगे, यहाँ पर x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, y की वैल्यू 60 हो जाएगी। तो निर्देशांक क्या मिला, निर्देशांक 0 और 60 मिला। इसके बाद फिर यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर निर्देशांक मिला 60 और 0। तो चलिए पहले 0 और 60, तो 0 और 60 तो आप यही बिंदु है देख रहे हैं, और फिर 60 0, तो 60 कहाँ होगा, यहाँ पे आ जाएगा, तीन तीन 20-20 का अंतर है, तो तीसरे नंबर पे 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दिखा देंगे ये हो गया आपका 60 0। अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें यहाँ पर, अब यहाँ हम लाइन खींचेंगे, और लाइन खींचते हैं देखते हैं। तो अब यहाँ से इसको हम मिला देंगे, देखिए ये मिला दिए, ये जो बिंदु है इस बिंदु का निर्देशांक जो है ये 60 0 है, यहाँ पर 60 0 हम लिख देंगे, ये हो गया 60 0। अब जरा देखें, अब देखा जाए असमिका वाली क्या कंडीशन है। तो असमिका के लिए x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 60, हम क्या करेंगे इसमें x और y दोनों के जगह पे 0 रखेंगे, तो x के जगह पे 0 और y के जगह पे 0 रख करके सॉल्व करिए। तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 60, यानी 0 इज ग्रेटर देन 60, 0 कभी 60 से बड़ा हो सकता, कभी नहीं होगा, इसलिए ये जो है ये असत्य है। तो अगर असत्य होगा ना तो ग्राफ जो होगा वो इससे, माने कुल मिलाकर के ये हम कह सकते हैं कि मूल बिंदु ग्राफ के रेंज में नहीं आएगा। तो अगर मूल बिंदु ग्राफ के रेंज में नहीं आएगा, इसका मतलब अब यहां से ग्राफ अंदर के तरफ नहीं आएगा, यहां से ग्राफ जो है बाहर के तरफ आएगा। हम रेखा का समीकरण भी यहां लिख लेते हैं पहले, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अब हम ग्राफ यहाँ से खींचेंगे बाहर के तरफ, तो चलिए बाहर के तरफ हम ग्राफ खींच रहे हैं, इसको हम दिखा सकते हैं यहाँ से ऐसे, ऐसे दिखा सकते हैं ग्राफ जो जाएगा वो यहाँ से बाहर के तरफ जाएगा, अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। और फिर आते देखिए अब दोनों का हो गया, अब तीसरे वाले को खींचेंगे, और जब ग्राफ आ जाता है रेंज ग्राफ जो है जो तीनों के बीच में आएगा उसी को हम दिखाएंगे यहाँ पर। तो चलिए देखा जाए फिर, अब हम तीसरी स्थिति को अप्लाई करते हैं। तो देखिए तीसरी स्थिति अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, देखिए x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो है। तो अब देखिए क्या है, अगर x के जगह पे हम जीरो कर दे तो y इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा,
इसका मतलब ये हुआ कि निर्देशांक जो मिलेगा वो 0, 0 मिलेगा। अगर y इजकल टू 0 करें तो x इजकल टू भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेखा जो होगी वो मूल बिंदु से होकर के गुजरेगी। अगर इसको हम इस रूप में लिखें, x माइनस 2y इजकल टू 0 है ना, तो x इजकल टू 2y लिख सकते हैं, या y इजकल टू लिखेंगे तो 1/2x हो जाएगा। और c की वैल्यू 0 है, रेखा y इजकल टू mx प्लस c होता है, तो c होता है तो रेखा के द्वारा y अक्ष पर अंतःखंड काटा जाता है, लेकिन c की वैल्यू 0 होती है तो वह रेखा मूल बिंदु से होकर के गुजरती है। इसका मतलब ये हुआ कि यह रेखा यहाँ से सीधे ऐसे जाएगी। अब इस रेखा का जो समीकरण होगा लिख देंगे हम यहाँ पर x माइनस 2y और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 और फिर y की वैल्यू 0 रख करके हम देखते हैं वैल्यू। अच्छा, अब अगर हम लोग देख लें कि ये मूल बिंदु तो ये तो क्लियर है कि रेखा मूल बिंदु से ही गुजर रही है, तो मूल बिंदु से ही गुजर रही है। अच्छा, अगर सपोज कीजिए हम वहाँ पे ट्राई भी करते हैं तो देखें यक्स माइनस 2y इज ग्रेटर देन 0, इसमें यक्स के जगह पे 0 और y के जगह पे 0 रख दें तो 0 रख देंगे तो 0 माइनस 0 इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर ये जो है अप्लाई नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पर चूंकि दोनों मान बराबर आ गए, इसलिए अब हमको यहाँ पर डॉटेड लाइन नहीं दिखानी है। डॉटेड लाइन इसलिए नहीं दिखानी है क्योंकि ये रेखा ही मूल बिंदु से होकर गुजर रही है। तो अब ये देखा जाता है कि मूल बिंदु डॉटेड लाइन के रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब रेखा ही मूल बिंदु से गुजर रही है तो फिर इसको देखने का कोई मतलब नहीं होगा। अब हम लोगों को यह देखना है कि अब कुल मिलाकर के दोनों ग्राफों के बीच में, दोनों ग्राफ नहीं बल्कि तीनों ग्राफ कह लीजिए, तीनों ग्राफ के रेंज में कौन कौन भाग आ रहा है। तो देखें, अगर इस पहला जो ग्राफ है वो ये है, दूसरा जो ग्राफ है वो ये है, तीसरा ग्राफ ये है। तो अब हम यहाँ पर अगर देखें तो तीनों के बीच वाला जो रेंज है वो तीनों यहाँ मूल बिंदु के तरफ ये जाएगा ही नहीं, मूल बिंदु से कोई मतलब ही नहीं इसका। इसलिए देखें यहाँ पर जो डॉटेड लाइन हम दिखा रहे हैं, इस डॉटेड लाइन का मूल बिंदु से कोई मतलब ही नहीं है, ये इसके बीच में आएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसके कोणीय बिंदु कौन कौन है, कोणीय बिंदु का निर्देशांक देखना होगा। केवल अब हमको इतने ही एरिया से केवल मतलब है, और किसी एरिया यानी और किसी से हमको मतलब ही नहीं है। तो अब इस बिंदु का निर्देशांक हम a मान लेते हैं, a 60, 0 हो गया। फिर इसके बाद इस बिंदु का ये b है, b 120, 0 हो गया। अब हम देखेंगे कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या है। देखिए रेखा का जो समीकरण था, रेखा का समीकरण यहाँ पर जो लिखा गया था वो था x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 था। तो देखिए इस रेखा का समीकरण x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 है और इस रेखा का समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है। जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो इस बिंदु का निर्देशांक, इस बिंदु को हम C मान लेते हैं, इस बिंदु को C मान लेते हैं, और बिंदु C का निर्देशांक हम देखेंगे कि C का निर्देशांक क्या मिलेगा। तो चलिए देखिए, ये है आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, इस रेखा का समीकरण, और फिर इस रेखा का समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है। देखिए x माइनस 2y इज इक्वल टू x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पर माइनस कर दें तो देखिए माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और फिर ये माइनस हो जाएगा।
तो ये x कैंसिल हो जाएगा और 2y प्लस 2y 4y इज इक्वल टू 120 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आप निकालेंगे तो 30 हो जाएगा। अब y की वैल्यू हम किसी में भी रख देते हैं तो x की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए y के जगह पे 30 रख दें तो x इज इक्वल टू 32 60 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई 60। तो यहाँ पर इन दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो है 60 और 30। तो देखें C का निर्देशांक हमको मिल गया और ये हो गया 60 और 30, बिंदु C का निर्देशांक मिल गया। अब इसके बाद हम चाहते तो इस बिंदु का भी निर्देशांक निकाल लें, और निकालना जरूरी है क्योंकि ग्राफ इनके रेंज में है, इन्हीं सब के रेंज में है। तो इस बिंदु का भी हम निर्देशांक, इस बिंदु को हम D मान लेते हैं। ये जो बिंदु है इस बिंदु को हम D मान लेते हैं, और जो रेखा का समीकरण है यहाँ हम लिख देते हैं। रेखा का जो समीकरण था वो x प्लस वाई इजकल टू 60। अब हमको बिंदु D का भी निर्देशांक ज्ञात करना होगा। तो बिंदु D पर देखिए कौन कौन, एक ये रेखा है और दूसरी ये रेखा है। इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु हम देखें क्या मिल रहा है। तो ये रेखा है आपका x प्लस वाई इजकल टू 60 है। देखते हैं यहाँ x प्लस वाई इजकल टू 60, और ये जो रेखा है x माइनस 2y इजकल टू 0 है। तो x माइनस 2y इजकल टू 0, अब क्या करें, तो अब जो है यहाँ से फिर माइनस कर दें। तो देखें माइनस करें तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये कैंसिल हो गया, y प्लस 2y 3y इजकल टू 60 हो जाएगा। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। और फिर y की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर 20, तो x की जो वैल्यू होगी वो 40 हो जाएगी, यानी ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 40 20। बिंदु D का जो निर्देशांक हमें मिल रहा है यह 40 और 20 मिल रहा है। अब चलिए कोणीय बिंदु हमको मिल गया, अब हम लोगों को संगत मान निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं कोणीय बिंदु, यहाँ लिखते हैं एक सारणी हम लोग बनाएंगे। तो सारणी बनाने के लिए देखिए यहाँ पर होगा कोणीय बिंदु, और यहाँ पर z का संगत मान, तो z का संगत मान निकलेगा z इजकल टू 5x प्लस 10y से। चलिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि वैल्यू क्या आएगी। जो जो बिंदु हैं उन बिंदुओं पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसकी वैल्यू हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम बिंदु A को लेते हैं। तो बिंदु A का जो निर्देशांक है वो 60 और 0 है। चलिए इसमें रखते हैं 60 और 0, तो x के जगह पे 60 तो 6 5 33 300 हो जाएगा, और y के जगह पे 0 है तो ये हो गया आपका 300। अब इसके बाद फिर हम आते हैं दूसरे वाले पर, 120 0 है। तो अब जो है यहाँ पर हम B रखते हैं और ये है 120 0। देखिए x के जगह पे 120 और y के जगह पे 0, तो देखिए 120 रखेंगे, 12 5 60, ये हो गया आपका 600, ये जो था आपका यह 300 था। अब इसके बाद ये जो बिंदु C है, बिंदु C का निर्देशांक 60 और 30 है। तो बिंदु C का निर्देशांक 60 और 30 है। चलिए 60 और 30 पर रख करके वैल्यू निकालते हैं Z के। तो यहाँ देखो 6 करेंगे 60, तो ये हो जाएगा 6 5 30, यानी 300 हो जाएगा। और Y के जगह पे अगर 30 कर देंगे तो फिर ये 300 हो जाएगा, यानी 300 300 600 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 600। और इसके बाद फिर हम आते हैं 4D का निर्देशांक, D पर देखते हैं। ये आपको D पर दिया हुआ है और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है वो है 40 20। हम रख देते हैं
तो चलिए रख करके वैल्यू देखते हैं क्या मिलता है। यक्स के जगह पे 40 रखें तो 40 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200, और फिर 20 रखेंगे तो ये भी तो हो जाएगा 200 आपका हो जाएगा। हाँ 20 रखेंगे तो हाँ ठीक है, तो 200 प्लस 200 ये हो जाएगा आपका 400। अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा था न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण दोनों करने के लिए कहा जा रहा था। तो न्यूनतमीकरण न्यूनतम मान कौन होगा, तो न्यूनतम मान जो आप देख रहे हैं ये 300 हो जाएगा। तो 300 ये जो है न्यूनतम मान होगा, न्यूनतम मान होगा। तो आप कह देंगे कि बिंदु 60 पर न्यूनतम मान z = 300 है। अब अधिकतमीकरण, तो अधिकतमीकरण के लिए आप देख रहे हैं कि दो मान आपस में बराबर हो गए, तो दो मान जब आपस में बराबर हो जाएंगे तो यह अधिकतम है और यह भी अधिकतम है, तो इसका क्या जवाब होगा। तो यहाँ आप कहेंगे कि 1.120 पर अधिकतम मान 600 है, और फिर बिंदु 60-30 पर भी अधिकतम मान जो है वो 600 है। तो आपसे केवल न्यूनतमीकरण या केवल अधिकतमीकरण नहीं पूछा जा रहा था, दोनों पूछा जा रहा था। तो न्यूनतम बिंदु 300 होगा, न्यूनतम मान 300 होगा, और अधिकतम मान जो होगा वो हो जाएगा आपका 600। और चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि दो से अधिक बिंदु मिल रहे हैं, तो इस प्रकार एक बात तो स्पष्ट हो गई कि दो बिंदुओं से अधिक बिंदुओं पर मान यहाँ पर घटित हो रहा है, और न्यूनतम मान जो है 300 है और अधिकतम मान इसका जो है 600 है। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व होता है। और ऐसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 7 हुआ है, 8, 9, 10 आप कर लेंगे, यानी प्रश्नावली 12.1 आप कंप्लीट की रहिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में श्योर आएगा। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए हैं दोनों? तो बिल्कुल अच्छी तरह से आप सभी लोग तैयार किए रहिएगा। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ये लोग भी अच्छी तरह से तैयार करें, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। योर्स वेलकम।